हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक निगम एंड वाचिंग मी ऑन PNTV। अभी सुनी मैंने कि कुछ तो कोई वीडियो मेरे पुराने शो का आया है और लोगों को लग रहा है मैं उस शो में आ रहा हूँ। बिल्कुल अभिषेक, स्वागत है आपका PNTV में। थैंक यू। इसके बारे में और अपने शो के बारे में कुछ बताइए, किसका का किरदार रहने वाला है, क्या शो की कहानी है? तो जो हमारा शो है पुकार दिल से दिल तक, ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आने वाला है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरता है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है जो कहीं ना कहीं रिजल्ट करता है, जिससे परिवार और रिश्तों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ जाती है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। और जो सरस्वती है उनसे उनकी बेटियां इस सिलसिले में बिछड़ जाती हैं। सागर जो मेरा कैरेक्टर है, सागर महेश्वरी, वो इकलौता वारिस है इस पूरे एम्पायर का, और ये काफ़ी आदर्शवादी लड़का है जो शायद सही के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, अपने अपनों के भी खिलाफ हो सकता है। और ऐसा ही कुछ है हमारे शो में, और सागर कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से सरस्वती को उनकी बेटियों से मिला दिया जाए। देखिए क्या होता है, व्हेन वी आर प्लेइंग द पॉजिटिव कैरेक्टर देयर आर लिटिल बाउंड्रीज एंड देयर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। बट व्हेन वी डू नेगेटिव कैरेक्टर देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर, यू कैन यू नो ऑलवेज थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज ओपन होती हैं। बट क्या होता है कि ये एक आर्टिस्ट और आर्ट की बात है कि किस तरह से कौन कितनी बाउंड्रीज में रहकर अच्छा कर सकता है और कौन कितना बाउंड्रीज के बाहर जाकर अच्छा कर सकता है। बाकी कैरेक्टर्स है, पसंद आने के लिए हर कैरेक्टर हर इंसान को अलग अलग पसंद आता है, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, तो यू कैन नेवर कमिट दैट। अकॉर्डिंग टू यू पॉजिटिव कैरेक्टर करना हार्ड है या फिर नेगेटिव खुद को बनाना, वो कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? ये वही वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कठिन है या प्रोबेबिलिटी। मतलब देखिए, कठिन सब कुछ होता है यू नो, और आसान बनाने वाले आसान बना देते हैं। कभी कभार आप देखेंगे कि नेगेटिव कैरेक्टर करना लोगों को लगता है बहुत आसान है, पर शायद मौका मिले तो ना कर पाएं। कभी कभार लगता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर में क्या होता है, पर वो भी करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आप यू कैन नेवर सेट दिस कि क्या आसान है और क्या कठिन है। हर कैरेक्टर करना, उसको निभाना एक आर्टिस्ट का वो क्या कहते हैं धर्म होता है, तो उसे निभाना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। जब भी कोई एक्टर ब्रेक लेता है किसी शो से, तो यू नो एक बहुत सारी रूमर्स आते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती है। ऐसी कोई रूमर्स या फिर न्यूज़ है कि आप शॉक हो गए जो आपको खुद को ना बताओ या फिर फनी लगाओ, ये कैसा रूमर है? अभी सुनी मैंने कि कुछ तो कोई वीडियो मेरे पुराने शो का आया है और लोगों को लग रहा है मैं उस शो में आ रहा हूँ। और तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आप यू नो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू गिव अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, लुक टेस्ट, तो चीज़ें होती रहती हैं। बट देन एज सच जो टाइम होता है तो पीपल ऑल्सो वेट फॉर यू, पीपल ऑल्सो वुड नॉट वॉन्ट यू टू यू नो, आप हर जगह दिख रहे हो, आप जो उनके लिए कर रहे हो वो खुद चाहते हैं कि आप अच्छा करो, तो उनको भी पता है कि उसके लिए इंतज़ार भी ज़्यादा करना पड़ता है और अच्छी चीज़ों के यू नो लाइक अच्छी चीज़ें वक्त लेती हैं होने में। जयपुर में शो है तो कहीं घूमने गए थे या फिर कुछ एंजॉय किया वहाँ? बहुत बहुत, जयपुर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर, किले हैं और ब्यूटीफुल बैकड्रॉप्स हैं वहाँ के, खाना बहुत अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छा है, कपड़े शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। I have explored pretty much of Jaipur. Okay, lastly, any message for the फिलहाल तो बस एक ही मैसेज है कि आप सब जरूर देखें पुकार दिल से दिल तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात 8:30 बजे। Hi, this is Anushka Merchande and you're watching me on PNTV. Thank you. तो मेरा जो कैरेक्टर है कोयल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वो बहुत ही बोल्ड है, फिर फाइस्टी है एंड जुगाड़ हुई है, वो एक कॉन गर्ल है एंड वो उसको अपनी उसकी दुनिया में, उसकी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें उसकी माँ है और उसकी माँ एक कॉन वुमेन है, जिसकी वजह से कोयल भी एक कॉन गर्ल है और वो लोगों को जुगाड़ करके हमेशा अपना काम करवा लेती है और बस दिल से बहुत अच्छी है, वो जो करती है अपनी माँ के लिए करती है। सो या दैट्स कोयल।